एच डी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। जब हम घर वापस आए तो मेरी बीवी जारा को कुछ मालूम नहीं था। नुरासा भी अलीना को बहुत बुरा भला कह रही थी और उस औरत की आंखों में थोड़ी सी भी शर्म हया नहीं बची है। मन तो कर रहा था कि उसको मार मार कर उसका बुरा हाल कर देती। फिर मेरी बीवी जारा उसको शांत करवाने लगी। वो मुझसे पूछने लगी, जो औरत हमें मॉल में मिली थी, समीर को गोद में उठा रही थी, वह औरत कौन थी? मैंने अब तक जारा को कुछ भी नहीं बताया था और मैं आज चाहता था कि जारा को सब कुछ बता दूँ, और मैंने ऐसा ही किया। मैं अपनी बीवी जारा को बताने लगा। आज रिश्ते से मेरा विश्वास उठ गया था, क्योंकि मैं अपने ही रिश्तों से एक बहुत ही चोट खाई थी। जो मेरे दिल के सबसे ज़्यादा करीब थे, उन्होंने ही मेरे दिल को छलनी छलनी करके रख दिया था। मेरा हंसता खेलता परिवार एक झटके में टूट कर बिखर गया था। मैंने तो सुना था औरत वफा की देवी होती है, अपने बच्चों के लिए तो वो अपनी जान तक कुर्बान कर देती हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था। शायद मेरी किस्मत खराब थी या फिर मेरे बच्चे की किस्मत खराब थी कि मुझे बीवी का प्यार नहीं मिला और मेरे बच्चे को माँ की ममता नहीं मिल सकी। मेरी बीवी अलीना, जिसने मेरे साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, वो मेरे साथ चार कदम भी ना चल सकी। दोस्तों, इस कहानी को सुनकर मुझे ज़रूर बताना, गलती किसकी थी, मेरी या फिर अलीना की? मैंने तो सिर्फ उस पर विश्वास किया था। मेरे विश्वास की मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिली थी कि जिंदगी भर के लिए तड़पता रह गया था। अलीना मेरी बहन की बचपन की दोस्त थी। मेरा संबंध मिडिल क्लास घराने से था। जबकि अलीना के अब्बू का कारोबार खूब चल रहा था, वह एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रही थी। हमारा एक दूसरे के घर आना जाना भी बहुत था। मैं उन दिनों नौकरी की तलाश में था, जब अलीना का मेरे घर में कुछ ज़्यादा ही आना जाना शुरू हो चुका था। वह बहुत खूबसूरत थी, उम्र में मुझसे 10 साल छोटी थी, इसलिए मैंने कभी उसे इस नज़र से नहीं देखा था। मेरी छोटी बहन की उससे बहुत दोस्ती थी। हमारे घर भी पास पास ही थे, हम बस दो ही भाई बहन थे, मैं और नुराशा। हमारे माँ बाप बहुत पहले ही रोड एक्सीडेंट में मारे गए थे। उस समय नुराशा सिर्फ 4 साल की थी। नुराशा को मैंने ही पाला पोसा, और अब नुराशा कॉलेज में फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी और अलीना भी उसी कॉलेज में थी। मैं शाम को ही थका हारा घर पहुंचा था। आज 3 जगह इंटरव्यू देकर आया था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि नौकरी लगेगी। हम जैसे लड़कों की यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। हालांकि मेरी पढ़ाई का रिकॉर्ड जो था बहुत ही अच्छा था, बस मेरी सिफारिश नहीं थी। और नेपाल में या तो सिफारिश से नौकरी मिलती है या फिर नोट दिखाकर डिग्री से कुछ नहीं मिलता। मैं घर पहुंचा तो नुराशा और अलीना किचन में ही बातें कर रही थी, न जाने क्या बना रही थी। अलीना की माँ और मेरी माँ आपस में दोनों बहनें थीं, इसलिए दोनों में बहुत प्यार था। अलीना की माँ मुझे और नुराशा से बिल्कुल अपने सगे बच्चों की तरह मोहब्बत करती थी और हमारे घर का चक्कर लगाया करती थी, कहीं नुराशा को अकेलापन महसूस ना हो। और अलीना तो ज़्यादातर ही हमारे घर पर ही गुजारा करती थी। मैंने नुराशा को पुकार कर कहा, नुराशा, एक कप चाय बना दो, मेरे सर में दर्द है। मैं घर आकर खाना खाकर ट्यूशन पढ़ाने चला जाता था, ताकि घर के खर्चे पूरे कर सकूं। रात 12 बजे से 1 बजे तक मैं होम ट्यूशन देता था। 11वीं 12वीं क्लास के नौजवान लड़कों को पढ़ाता था। मैं अभी भी सर पकड़े बैठा था। नौकरी ना मिलने की वजह से बहुत परेशानी में था कि जब चाय का कप मेरे सामने अलीना ने किया था, मैंने उसके हाथ से चाय का कप लिया। वह मेरे पास ही बैठ गई, कहने लगी, सलीम, जल्दी से चाय पीकर मुझे इकोनॉमिक्स के कुछ सवाल समझा दे, कसम से कर करके थक गई हूँ। लेकिन समझ नहीं आ रहे। वह ऐसे ही थी, मुझसे 10 साल छोटी थी, लेकिन मुझे मेरे नाम से ही बुलाया करती थी। मैंने कहा, अलीना, मेरे सर में बहुत दर्द है। मेरी बात सुनकर कहने लगी, तो मैं क्या करूँ, दर्द है, चाय पियो और शराफत से मुझे समझाओ। मैं कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं सुनूंगी। मैं उसे कनखियों से देखा, पता नहीं क्यों, लेकिन उसे इनकार नहीं कर सकता था। और क्यों नहीं कर सकता था, इसकी वजह मैं नहीं जान पाया था। और फिर थकान के बावजूद भी मैंने उसे पढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन वो बहुत ही नालायक टाइप की लड़की थी। बार बार समझाने के बावजूद भी उसकी अकल में कुछ भी नहीं आता था। जब मैं पूरा सवाल समझा कर पूछा, कुछ अकल में बैठा या नहीं, तो कहने लगी, हाँ, समझ तो सब कुछ आ गया, लेकिन ये सवाल हल हुआ कैसे? पैन मुंह में दबाई ये बेवकूफ़ी सी भरी बातें कहकर मुझे और भी परेशान कर गई थी। मुझे उस पर बहुत तेज़ गुस्सा आने लगा। मेरे ट्यूशन जाने का भी समय हो गया था। मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा, भाड़ में जाओ तुम, नहीं पढ़ सकती, ये तुम्हारे बस की बात ही नहीं है। खाला से कहता हूँ, क्यों पैसा आपने इसके पढ़ाई पर ख़राब करना, उन्हीं पैसों को इसका दहेज बनाए, रिश्ता देखकर इसे चलता करे। समझा समझा कर मेरा दिमाग खाली हो गया है, लेकिन इसके दिमाग में कुछ नहीं बैठा।
मैंने चिढ़ कर कहा था, लेकिन मैं नहीं जानता था आगे से मुझे ये जवाब सुनने को मिल सकता है। कहने लगी, तो ठीक है ना, अम्मा से कहकर मेरा रिश्ता मांग लो। मैं जो मोटरसाइकिल की चाबी जेब में डाल रहा था, मेरा तो हाथ ही वहीं रुका था। मैंने अचानक ही हैरानी से उसे देखा था और वो मुस्कुरा रही थी, शर्माने के नाकाम कोशिश कर रही थी। फिर उठकर फौरन से वहाँ से चली गई थी। मैं तो जहाँ खड़ा था वहीं के वहीं खड़ा रह गया था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि अलीना मेरे बारे में ऐसे ख्याल रखती होगी। उस दिन तो पूरा दिन मेरा दिमाग अलीना की बातों में ही लगा रहा। मुझे उसकी बात बिल्कुल बेवकूफ़ी से भरी हुई लग रही थी। मुझसे 10 साल छोटी थी, मेरी उम्र 30 साल की थी और वह अभी सिर्फ 20 साल की थी। मुझे लगा शायद उसने मजाक में ये बात कही होगी, क्योंकि वह अक्सर ऐसे ही मजाक में बातें कर जाती थी। मैंने उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई थी। अब जब भी वो मेरे पास बैठती और अपनेपन से मेरा हाथ पकड़ती तो मेरा दिल भी धड़कने लगता था। मेरे दिल की धड़कनें अजीब अंदाज से धड़कती। मैं फ़ौरन से अपना हाथ खींच लेता और उठकर बाहर चला जाता। सच कहूँ तो मैं अलीना के लिए अपने जज्बातों को दबाना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि मेरे दिल में अलीना के लिए कोई और जज्बात जन्म ले। अलीना के अब्बू का कारोबार अच्छा था, हमारे घर से उनके हालात काफ़ी अच्छे थे। अलीना उनकी छोटी और लाडली बेटी थी। अलीना से एक बड़ी बहन थी जो शादीशुदा थी। एक भाई था जो मेरे उम्र का था, लेकिन वह भी शादीशुदा था। सिर्फ अलीना ही थी जिसकी शादी नहीं हुई थी। मैं बेरोजगारी की वजह से शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता था। अम्मी अबू की मौत के बाद नुरासा को मैं नहीं पाला था। नौकरी तो पहले भी करता था, लेकिन इस बार मेरी इच्छा थी कि मुझे एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए, क्योंकि मेरे सर पर नुरासा की जिम्मेदारी भी थी। मैंने तो यही सोचा था, अच्छी सी कंपनी में नौकरी करने के बाद पहले नुरासा की शादी करूंगा, तभी अपने बारे में कुछ सोचूंगा। लेकिन अलीना ने तो मुझे सोचने का मौका ही नहीं दिया था। पिछले 2 महीने की भाग दौड़ के बाद आखिरकार मुझे मेरे मतलब की नौकरी मिल गई थी। तनख्वाह भी 60,000 थी। मैं बहुत खुश था, मिठाई लेकर घर आया। नुरासा और अलीना दोनों ही घर पर मौजूद थी। मैंने नुरासा के मुँह में मिठाई डाली और कहा कि मुझे नौकरी मिल गई है। खुशी से वो मेरे साथ लग गई। मेरी बहन थी, मोहब्बत में ऐसी जल्दबाजी दिखा जाती थी। कहने लगी, भाई ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने, आज मैं आपको चाय के साथ पकोड़े भी तलकर देती हूँ। ये कहकर वह चली गई, लेकिन अलीना बड़ी चुपचाप से खड़ी थी, मुझे ही घूर घूर कर देख रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था उसे क्या हुआ है। फिर अचानक ही वह भी हंसती हुई मेरे गले लगने के लिए आगे बढ़ी थी। कहने लगी, मुबारक हो सलीम तुम्हें तुम्हारी नौकरी के लिए। लेकिन इससे पहले वो मेरे गले में बाहें डाल देती, मैंने उसे बीच में ही रोक दिया था। मैंने कहा, बस बस दूर से ही बधाई दे दो, ज़्यादा चिपकने की ज़रूरत नहीं है। मेरा यह कहना था, उसने बुरा सा मुंह बना लिया था। मैंने कहा, मुंह क्यों बना रही हो। मैंने मिठाई का डिब्बा उसके करीब कर दिया। मैंने कहा, लो तुम भी खा लो, ये ना हो कि मिठाई के डिब्बे को नज़र लग जाए और जब मैं खाऊं तो मेरे पेट में दर्द शुरू हो जाए। मैंने मजाक में कहा था, लेकिन वे कहने लगी, अपने हाथ से खिलाओगे मुझे तब ही खाऊंगी। उसकी बात मुझे कुछ बेकार सी लगी थी। मैंने डिब्बा वहीं टेबल पर रख दिया। मैंने कहा, खानी है तो खाओ, नहीं खानी तो मत खाओ, लेकिन मुझसे इस तरह की फिजूल की जिद मत करो। ये कहकर मैंने अलीना को वहीं से आवाज़ लगाई कि चाय मेरे कमरे में ही ले आना। मैं अपने कमरे में चला गया। मुझे उस लड़की की हरकतें अजीब सी लगती थी। भला ये भी कोई बात है कि कुछ ही देर में कमरे का दरवाज़ा खुला। वह बड़े गुस्से से कमरे में दाखिल होते हुए मेरे बेड पर मेरे सामने बैठ गई। कहने लगी, सलीम तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आती, तुम मुझे अच्छे लगते हो और मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। उसकी इस बात पर मैंने उसे गुस्से से देखा था। मैंने कहा, अपनी उम्र देखी है तुमने, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इतनी सी उम्र में तुम मुझसे इस तरह की बातें कर रही हो, तुम्हारे पढ़ने के दिन है समझी। खाला को बता दूंगा अगर आगे से मुझसे इस तरह की कोई भी बात की तो। मैंने उसे बुरी तरह से डांट दिया था। कुछ देर तक मेरे सामने बैठी आंसू टपकाती रही, फिर उठकर चली गई। 8 दिन तक वो हमारे घर नहीं आई थी। नुरासा भी उदास होने लगी थी। मैंने कहा, नुरासा ये अलीना की बच्ची क्यों नहीं आ रही आजकल। कहने लगी, पता नहीं भाई, रोज़ मुझे ही उसके पास जाना पड़ता है, उसे मना मना कर थक गई हूँ। पता नहीं किस बात पर नाराज़ है, कह रही है अब तुम्हारे घर नहीं जाऊँगी। अजीब बचकाना टाइप की हरकतें थी उस लड़की की। खैर मैं ट्यूशन पढ़ाने चला गया, वहीं मुझे खाला का फ़ोन आया। कहने लगी, घर आओ मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैंने कहा, जी खाला मैं ट्यूशन पढ़ाकर आता हूँ। रात 12 बजे तक मैं उनके घर गया था। अपने बेटे के साथ ड्राइंग रूम में बैठी
मेरा ही इंतजार कर रहे थे। मुझे देखकर फौरन से मेरे पास आई, मेरे सर पर प्यार से हाथ रखा। मैंने उनके पास ही बैठ गया, कहने लगी, तुम्हारी माँ मेरी बड़ी बहन थी, बिल्कुल सगी बहन। तुम्हारी माँ और मुझ में मोहब्बत थी, लेकिन तुम्हारे माँ बाप की अचानक मौत के बाद हमेशा तुम्हें अपने बेटे सागर की तरह समझा है, इसलिए तुम्हें सलाह के लिए बुलाया है। मैंने खाला की तरफ देखा, मैं उनकी मोहब्बत पर शक नहीं कर सकता था। माँ बाप के मरने के बाद खाला ने मुझे और नुरासा को बहुत ही प्यार दिया था, बिल्कुल सगे बच्चों की तरह। अगर खाला ना होती, हम दोनों बहन भाई शायद कब के टूट कर बिखर चुके होते। नुरासा तो चलो, जब मेरे अम्मी अब्बू की मौत हुई बहुत छोटी थी, लेकिन मैं समझदार था। अम्मी अब्बू की अचानक मौत से मैं बिल्कुल बिखर कर रह गया था, लेकिन खाला ही थी जिन्होंने हम दोनों को संभाला था। मैंने कहा, कैसा राय मशवरा चाहिए? खाला जी कहने लगी, अलीना का बहुत अच्छे घर से रिश्ता आया है, खाता पीता घराना है, लड़का भी अच्छी नौकरी करता है, इसलिए मैंने सोचा कि तुमसे एक बार सलाह मशवरा कर लेती हूँ। तुम लड़के के बारे में खोजबीन कर लो। वैसे तो अलीना की अभी उम्र नहीं है शादी की, अभी 20 साल की हुई है और उसकी पढ़ाई भी पूरी नहीं हो पाई है, लेकिन अच्छे रिश्ते बार बार नहीं आते। लड़के का कहना है कि शादी के बाद भी अलीना अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती है, लेकिन मैं चाहती हूँ अभी सिर्फ मंगनी कर देते हैं, जब अलीना की पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो शादी कर देंगे। खाला अपनी धुन में बोलती जा रही थी और पहली बार मेरे दिल को धक्का सा लगा था। क्या सही में अलीना इतनी बड़ी हो गई थी कि खाला उसकी शादी के बारे में सोच रही थी? खैर, ये उनका अपना पर्सनल मामला था। मैंने कहा, जैसा आपको ठीक लगे, वैसे मैं लड़की के बारे में खोजबीन कर लूँगा, मेरे लायक कोई और काम हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ये सुनकर अलीना की अम्मी और अब्बू दोनों ही खुश हो गए, कहने लगे, तुम हमारे बड़े बेटे जैसे हो, सब कुछ तुमने ही असगर के साथ मिलकर करना है। मैंने कहा, जी हाँ, आप जैसा कहें वैसा ही करूँगा। मैं कुछ देर इधर उधर की बातें करके घर वापस आ गया था। अपने कमरे में लेटा यही सोच रहा था, अगर अलीना की उम्र शादी की हो गई है तो अब मुझे नुरासा के बारे में भी सीरियस हो जाना चाहिए। फिर सोचा कि खाला से ही बात करूँगा कि नुरासा के लिए भी कोई अच्छा सा रिश्ता ढूँढे, ताकि मैं नुरासा के भी शादी कर दूँ। फिर सोचने लगा, अब्बू की एक दुकान है जो किराए पर चढ़ा रखी है, उसे बेच देता हूँ, जिससे कि नुरासा का दहेज भी बन जाएगा और शादी भी अच्छे तरीके से हो जाएगी। मैं अभी इन्हीं सोचों में गुम था और धीरे धीरे नींद भी मेरी आंखों में उतर रही थी, जब मेरा मेन दरवाज़ा खटका था। नुरासा गहरी नींद सो चुकी थी। मैं उठकर मेन दरवाजे के पास आया था। इस वक्त कभी कोई हमारे घर नहीं आया करता था, क्योंकि रात का 1:30 बज रहा था। मैंने पूछा, कौन है? तो मुझे अलीना की आवाज़ आई थी, कहने लगी, सलीम दरवाज़ा खोलो। उसकी आवाज़ सुनकर मैं बौखला सा गया था। उस वक्त हमारे घर पर क्या करने आई थी? मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला, वह रोए जा रही थी। मैं तो डर गया था कहीं खाला खालू की तबीयत खराब ना हो गई हो। वह अंदर आ गई, दरवाज़ा भी बंद कर दिया और मेरे सीने से लग गई। उसकी ये हरकत पर मैं तो और सांस लेना भूल गया था। मैंने कहा, अलीना क्या हुआ, खाला तो ठीक है ना? मैंने उसको खुद से पीछे करना चाहा, लेकिन वह बड़ी मजबूती से मुझे पकड़े रोए जा रही थी। कहने लगी, बहुत बुरे हो तुम, मेरी माँ और मेरे पापा ने मेरी शादी किसी और के साथ तय कर दी है, और तुमने ये भी कह दिया कि लड़के के बारे में खोजबीन करके बता दोगे, बल्कि तुम्हें मेरा हाथ मांगना चाहिए था। उल्टा तुम तो ये कह रहे थे, शादी पर कोई काम हो तो मुझे बताइएगा, मैं सब संभाल लूँगा। उसकी ऐसी बेवकूफ़ी भरी बातें सुनकर मुझे उस पर गुस्सा आने लगा था। मैंने उसके दोनों बाजू से उसे पकड़ा और खुद से जुदा किया। मैंने कहा, तुम रात के इस समय मुझे ये बात करने आई हो? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? कहने लगी, मैं मर जाऊंगी तब तुम्हें विश्वास होगा क्या? मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मैंने गुस्से से उसे देखा और उसकी बाजू पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल दिया। गली बिल्कुल सुनसान थी, आखिरी मकान उसी का था। मुझे उस बेवकूफ़ लड़की से इस बात की उम्मीद नहीं थी। अगर रात के समय कोई उसे मेरे घर में दाखिल होते हुए देख लेता तो क्या सोचता, मेरी तो इज्जत की अर्थी ही निकल जाती। वह अभी भी रोई जा रही थी। मैं उसे लिए हुए उसके घर के पास आया, दरवाज़ा खुला हुआ था। मैंने उसे घर के अंदर धकेला। मैंने कहा, जो हरकत तुमने आज की है ना, अगर आगे से की मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं नहीं करता तुमसे मोहब्बत, समझी? जहाँ तुम्हारा रिश्ता तय हुआ है वहीं शादी करो, जहाँ तुम्हारे माँ बाप चाहते हैं वहीं खुश रहो, मेरी जान छोड़ दो। मैं दोनों हाथ जोड़कर उसे कहा था। वह रोती हुई अपने घर चली गई। मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया और अपने घर आ गया, लेकिन अगले ही दिन मैं अपने ऑफिस में था, जब नुराशा की कॉल आई। वह रो रही थी, कहने लगी, भैया अलीना ने जहर खा लिया है, खालू और खाला उसे अस्पताल लेकर गए हैं, जल्दी से घर आ जाओ।
मुझे डर लग रहा है। ये सुना था कि मेरे होश हवास गुम हो गए थे। मैंने फ़ौरन से छुट्टी ले ली। मेरी खाला की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं सीधा हॉस्पिटल पहुंचा था। खाला रोए जा रही थी। अलीना का भाई असगर भी परेशान था। मैंने पूछा, खाला आखिर अलीना को हुआ क्या था? कहने लगी, वह इस रिश्ते से इनकार कर रही थी। हमने बहुत समझाया, अच्छा रिश्ता है, खुश रहेगी, लेकिन मुझे नहीं पता था ये बेवकूफ़ लड़की ये सब कर बैठेगी, वरना मैं रिश्ते से इनकार ही कर देती। मुझे अपनी बच्ची की खुशी से ज़्यादा और कुछ भी प्यारा नहीं है। अल्लाह करे मेरी बच्ची बच जाए। ये कहकर खाला मेरे सीने से लगकर रोने लगी थी। मैंने उन्हें तसल्ली दी। 4 घंटे बाद डॉक्टर ने कहा था अलीना अब खतरे से बाहर है, लेकिन वह अब भी बेहोशी की हालत में थी और मेरा ही नाम पुकार रही थी। ये सुनकर सब लोग हैरान थे और मैं शर्मिंदा हो चुका था, सबसे नज़रें चुरा रहा था। लेडी डॉक्टर कहने लगी, आप में से अगर कोई सलीम को जानता है तो आप उसे बुला दें। हमें लगता है आपकी बेटी खुदकुशी के पीछे वही लड़का है। अगर वह किसी और से मोहब्बत करती है तो आपको बीच में दीवार नहीं बनना चाहिए। मेरी खाला हैरानी से मुझे देखे जा रही थी। खालू का भी यही हाल था। मैं बिना कुछ किए ही सबका मुजरिम बन गया था। मैंने कहा, खाला मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। मैं तो अलीना को बिल्कुल निराशा की तरह समझता हूँ। हाँ, उसने मुझे एक बार कहा जरूर था, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया था। मुझे लगा शायद वो मजाक में ये बात कर रही है। मैं अपनी सफाइयाँ देने लगा। खाला कहने लगी, अगर तुम मुझसे रिश्ता मांगते तो मैं कौन सा मना कर देती। मैंने कहा, खाला वो मुझे 10 साल छोटी है, बेवकूफ़ है। लेडी डॉक्टर कहने लगी, आप सलीम हैं तो प्लीज़ आप अंदर आइए। मैं शर्मिंदा से अपनी नज़रें उठा भी नहीं पा रहा था, इसलिए कमरे में चला गया। अलीना की रंगत सफ़ेद पड़ चुकी थी, लेकिन उसकी जुबान पर अब भी मेरा ही नाम था। मैं नहीं जानता था मोहब्बत में इंसान इस हद तक भी जा सकता है। मैं उसके पास चला गया, उसके फोल्डिंग बेड के पास रखी कुर्सी पर बैठ गया और उसका हाथ थाम लिया। मैंने कहा, अलीना आंखें खोलो। मेरी आवाज़ सुनकर उसने आंखें खोली थी। मुझे देखकर कहने लगी, बड़ी जल्दी याद आ गया आपको। मुझे तो लगा था मैं मर जाती तो फिर शायद आपको मेरी मोहब्बत पर विश्वास आ जाता। मैंने कहा, बेवकूफ़ लड़की, तुम्हें मैं क्या कह सकता हूँ। मैंने कहा कि तुम जानती हो कि मेरे हालात इतने अच्छे नहीं हैं। मैं तुम्हें वह सब नहीं दे सकता जो तुम्हें अपने माँ बाप के घर मिलता है। मुझ पर मेरी बहन की अभी जिम्मेदारी है। कहने लगी, मोहब्बत तो दे सकते हो ना। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। जो लड़की मेरे लिए इतना कुछ कर सकती थी, उसे मोहब्बत तो मैं दे ही सकता था, बल्कि बेतहाशा दे सकता था। मेरा रिश्ता अलीना से तय हो गया था। कुछ ही महीने बाद हमारी शादी भी हो गई। शादी के रात अलीना बहुत खुश थी, जैसे उसे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई हो। जब मैं कमरे में आया, उसने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया, बस अपनी ही मोहब्बत का इजहार करती रही। कहने लगी, तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो, तुम्हें अंदाज़ा नहीं है। मेरी कॉलेज की सब लड़कियाँ तुम पर मरती थी। बेशक नुरासा से पूछ लेना, जब तुम नुरासा को लेने आते थे तो सब लड़कियाँ ठंडी आहें भरती थीं। मैंने तो तभी सोच लिया था मैं शादी तुमसे ही करूँगी। अपनी इस खूबी की जानकारी मुझे अलीना के मुँह से पता चली थी। मैं मुस्कुराने लगा। मैंने कहा, तुम दुनिया की पहली पत्नी होगी जो शादी की रात अपने पति के मुँह से अपनी तारीफ़ें और मोहब्बत का इजहार सुनने के बजाय उसी की तारीफ़ें किए जा रही हो। अगर तुम्हारी बातें ख़त्म हो गई है तो मैं भी कुछ कहूँ। मेरी बात सुनकर वह कुछ शर्मिंदा हुई थी, फिर खामोशी से बैठ गई। अपनी मोहब्बत के इजहार पर वो मुझसे पहले ही कर चुकी थी। आज मेरी बारी थी। मैंने उसे इतनी मोहब्बत दी जिसकी वह हकदार थी। दिन ब दिन मेरी मोहब्बत अलीना से बढ़ती जा रही थी। ये कहना सच होगा कि शादी के बाद मैं उसका दीवाना हो गया था। 1 साल बाद नुरासा का बहुत अच्छा रिश्ता आ गया। मैंने उसकी शादी कर दी। वह भी विदा होकर अपने घर जा चुकी थी। अब मेरे सर पर किसी की कोई जिम्मेदारी न थी। लेकिन उन्हीं दिनों मेरी नौकरी छूट गई। धीरे धीरे हमारे हालात ख़राब होने लगे थे। मैंने अपने अब्बू की दुकान बेचकर अलीना की शादी की थी, इसलिए मेरे पास जो कुछ भी था बस मेरी नौकरी से ही था। अभी मैं दूसरी नौकरी की तलाश नहीं कर पाया था कि मेरे घर नए मेहमान की आने की खबर मिल गई। अलीना मेरी बीवी प्रेग्नेंट हो गई थी। बेशक ये खुशी की खबर थी, लेकिन मैं परेशान हो गया था, इसलिए जल्दबाजी में छोटी मोटी जो भी नौकरी मिली मैंने कर ली। घर में अब खर्चा बढ़ने लगा था। अलीना की असल मोहब्बत का इम्तहान अब शुरू हुआ था। फिर भी मैं ट्यूशन पढ़ाकर कोशिश यही करता था घर में किसी चीज़ की कमी ना हो, लेकिन अलीना की शिकायतें अब दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। जिन्हें मैं मोहब्बत से टाल देता था, उसे अपनी बाहों में लेकर प्यार से कह देता, इस महीने गुजारा कर लो, अगले महीने कोशिश करूँगा
तुम्हारी ये ज़रूरत पूरी कर दूँ। 9 महीने का समय भी गुजर गया था, मेरे घर बेटे ने जन्म लिया था। लीना थोड़ी थोड़ी बदलने लगी थी, कहती थी, मैंने बच्चे के लिए एक नौकरानी रखनी है, मुझे बहुत मुश्किल होती है। मैंने कहा, अलीना ये कैसे मुमकिन है, तुम जानती हो मेरे हालात कैसे हैं। कहने लगी, जानते हो फेसबुक पर मेरे कितने फॉलोअर्स हैं, हजारों लोग हैं जो मेरी एक तस्वीर पर लाइक करते हैं। मैं उसकी बात समझ नहीं पाया था। मैंने कहा, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। कहने लगी, अगर तुम मुझे अनुमति दो तो मैं एक चैनल बना लेती हूँ, उस पर ब्लॉग चलाऊंगी सलीम, लोग उससे लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। मैंने कहा, छोड़ो ना इन बातों को। लेकिन अलीना कहने लगी, सलीम हमें इस वक्त अपने हालात को बेहतर करना चाहिए, जैसे ही तुम्हारी अच्छी नौकरी लग जाएगी, हालात सुधर जाएंगे, तो मैं ये सब कुछ छोड़ दूंगी। और फिर कहने लगी, मैं तो सिर्फ कुकिंग का ही प्रोग्राम करूंगी। मैंने कहा, चलो ठीक है, कोशिश करना है तो कर लो, लेकिन ध्यान रहे सोशल मीडिया पर अपने आप को ज़्यादा शो करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे अलावा तुम्हें कोई और गलत नज़र से देखे मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। कहने लगी, हाँ हाँ ठीक है, कोई नहीं देखेगा सिवाय तुम्हारे। मैं उसकी बात सुनकर हंसने लगा। अलीना की मोहब्बत पर तो मैं शक कर ही नहीं सकता था, लेकिन मैंने कभी ये देखने की कोशिश नहीं की उसने किस चीज़ का चैनल बनाया है। कुछ महीने में ही हमारे घर एक अच्छी रकम आने लगी थी, बड़ी खुशी खुशी मुझे बता रही थी उसे इस महीने 2 लाख का फ़ायदा हुआ है। मैं सुनकर हैरान हुआ था, मैं अच्छी जॉब की कोशिश में अब भी लगा हुआ था। मैंने अलीना से कभी भी अपने लिए पैसे नहीं लिए थे, घर के खर्चे में काफ़ी हद तक वो मेरी मदद कर देती थी। खर्चों की बात ना करके अगर ये कहा जाए अलीना अपनी अय्याशियाँ अपने पैसों से पूरी कर रही थी तो गलत नहीं था। वह नए ब्रांड के कपड़े पहनने लगी थी, फैशन करने लगी थी, उसने अपने पूरे किचन का हुलिया बदल कर रख दिया था, नौकरानी भी रख ली थी, उसने अपने आप को बिल्कुल बदल लिया था, हर समय बनी संवरी रहती थी, बाल खुले रखती थी, अदाएं भी आने लगी थी, वह हर महीने लाखों रुपए कमाने लगी थी। दिन ब दिन उसके हुस्न में निखार पैदा होता गया। मैं अपनी जॉब से इस कदर बिजी था, कुछ देर के लिए उसको उसके हाल पर छोड़ दिया। धीरे धीरे उसने पूरे घर का नक्शा ही बदल कर रख दिया था। अब तो वह घर की वीडियो भी बनाती थी, वह कैसे उठती थी, कैसे बैठती थी, क्या नाश्ता करती है, दोपहर को उसने क्या बनाया है, यहाँ तक कि अपने बेटे को भी दिखाने लगी थी। एक बार मुझसे कहने लगी कि मैं अपने सब्सक्राइबर को तुम्हें दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे फॉलोअर्स कहते हैं अपने पति को भी दिखाओ। मैंने कहा, पागल हो क्या। कहने लगी, सलीम सब कहते हैं। मैंने कहा, ये सब अपने तक ही रखो तो अच्छा है, ये सब मुझे पसंद नहीं है। लेकिन धीरे धीरे उसने मुझे इस बात पर भी राजी कर लिया। मैं एक सीधा साधा इंसान था, मुझे ज़्यादा कीमती कपड़े पहनने का भी शौक नहीं था और ना मैं ज़्यादा अपनी परवाह करता था, लेकिन अलीना ने मुझे अपने ब्लॉग में शामिल कर लिया था। मैं बस उसके साथ वीडियो में आ गया था, ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाता था। धीरे धीरे अब अलीना का व्यवहार मुझसे बदलने लगा था। पहले वो मुझे अपने सारे कॉमेंट्स दिखाती थी, देखो सलीम लोग मेरी कितनी तारीफ़ें करते हैं, कहते हैं आप बहुत खूबसूरत हो, लगता ही नहीं है कि आप एक बच्चे की माँ हैं। मैं पढ़कर हंस दिया करता था, कहता था बाकी तुम बहुत खूबसूरत हो, कम उम्र में ही तुम पर इसका भूत सवार ना हुआ होता तो अब तक तुम्हारी शादी नहीं हुई होती। मेरी बात सुनकर मुझे घूरने लगती और मैं हंसने लगता, उसे अपनी बाहों में ले लेता, कहता अलीना तुम चीज़ ही ऐसी हो, मुझ जैसा मर्द भी तुम्हारा दीवाना हो गया है। तो जाहिर है उन लोगों का भी कोई कसूर नहीं है, अगर वे तुम्हें पसंद करते हैं तो ठीक ही करते हैं, ये मैं अपनी मोहब्बत में कह देता था, लेकिन ये नहीं जानता था मेरी ऐसी बातों का वे कुछ और ही असर ले जाएगी। कोई अलीना की आवाज़ की तारीफ करता तो कोई उसकी खूबसूरत चेहरे की और कोई उसकी बनाई हुई चीज़ों की। ये सब कुछ सोशल मीडिया का हिस्सा है, इसलिए मैंने कभी इन बातों को शक भरी नज़रों से नहीं देखा था, लेकिन धीरे धीरे मैंने ये महसूस किया जैसे अलीना मुझसे दूर रहने लगी है। मैं जब भी उसके करीब आता वो मुझसे दूर होने के बहाने ढूंढती थी, कभी मुझ पर ये जताने लगती वह मुझसे कई ज़्यादा गुना पैसे कमाती है। मैं उसकी बातों को हंसी में टाल देता था, अब मुझे ताने भी देने लगी थी। मैंने अपने दोस्तों से कह रखा था मुझे एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब चाहिए और आखिरकार मुझे जॉब भी मिल गई थी, मेरी तनख्वाह भी 1.5 लाख हो गई थी। जब मैं अलीना से कहा अब वह चैनल का काम नहीं करेगी क्योंकि मेरी जॉब लग गई है, मेरी बात सुनकर वह गुस्से से भड़क उठी, कहने लगी
क्यों नहीं करूंगी? मैंने कहा, अलीना देखो, पहले ज़रूरत थी क्योंकि मेरी जॉब नहीं थी। मैं एक छोटी सी कंपनी में काम करता था, घर के खर्चे पूरे नहीं कर सकता था। तुम्हें ऐशो आराम की आदत थी इसलिए मैंने तुम्हें अनुमति दे दी थी, लेकिन मेरी तनख्वाह अच्छी है, मैं तुम्हारी सारी ज़रूरतें पूरी कर सकता हूँ, तुम्हारी छोटी छोटी अय्याशा भी अफोर्ड कर सकता हूँ, इसलिए नहीं चाहता, तुम ये काम जारी रखो। लेकिन अलीना मुँह बनाते हुए कहने लगी, तनख्वाह का क्या है, तुम्हारी बस 1.5 लाख है और तुम इतना अकड़ रहे हो। मैं महीने के 5 लाख रुपए कमाती हूँ, कभी तो कभी 10 लाख भी हो जाते हैं। देखी है मेरी 25 लाख की गाड़ी, कपड़े देखे हैं कभी तुमने? हर महीने मैं 2.5 लाख की शॉपिंग करती हूँ, क्या दे सकते हो तुम मुझे? ये सुनकर तो मैं अलीना की शक्ल देखता रह गया था। वह कहीं से भी वह अलीना नहीं लग रही थी जिसने मुझसे मोहब्बत की थी। कहने लगी, मेरे हुस्न पर दुनिया मर मिटी है, मैं एक दिन वीडियो ना डालूँ लोग पागल हो जाते हैं, तुम्हें मेरी कदर नहीं है। पता नहीं मैंने क्यों तुमसे शादी कर ली, मैं तो उसकी बातें सुनकर जितना भी हैरान होता उतना कम था। मैंने कहा, तुम होश में तो हो, क्या कह रही हो, भूल गई कि मेरे खातिर तुमने क्या कर दिया था? अपनी जान के पीछे पड़ गई थी। कहने लगी, बहुत बड़ी गलती की थी मैंने, कम उम्र थी, मुझे अकल नहीं थी, मैं अपने हाथ कांच से जख्मी करने जा रही हूँ। अपनी उम्र देखी है तुमने, मुझसे 10 साल बड़े हो और अब तो तुम्हारे बाल भी सफ़ेद होने शुरू हो गए हैं। तुम्हारे साथ ब्लॉग्स बनाती हूँ तो लोग कहते हैं आपको क्या सूझी थी इस बुड्ढे के साथ शादी कर ली, ये आदमी आपके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अलीना की ऐसी गुरूर और घमंड की वजह अब मैं समझ गया था, क्योंकि वह लोगों की भड़काऊ बातों में आ गई थी। मैंने सीरियसली अलीना से बात की थी, मैंने कहा, बंद करो अपना ये चैनल वरना मैं उड़ा कर रख दूंगा। ये सुना था कि वह मुझ पर चीखने चिल्लाने लगी। कहने लगी, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी लेकिन इस चैनल को नहीं छोड़ूंगी, पता नहीं मुझ पर क्यों तुम्हारे इसका भूत सवार हो गया था जो मैंने तुमसे शादी कर ली। मैं जितनी खूबसूरत हूँ, मेरे लिए तो अमेरिका और फ्रांस के बड़े बड़े बिजनेसमैन के रिश्ते भी आ सकते थे। मैं तो उसकी बात, उसके घमंड को देखकर हैरान था। मैंने कहा, अच्छा कौन है ऐसा लड़का जिसने तुम्हारा दिमाग ख़राब कर रखा है? मैंने कहा, शौहर हूँ तुम्हारा, ऐसे डायलॉग मारने वाले कभी भी अपनी इज्जत नहीं बनाते। मेरी बात सुनकर कहने लगी, बड़ी आई मुझे बीवी बनाने वाले तुमसे ज़्यादा खूबसूरत हैंडसम और बिजनेसमैन है। मैं समझ गया था कोई तो है जो इसका दिमाग ख़राब कर रहा है। मैंने अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया और प्यार से उसके पास आकर उसे समझाने लगा कि दुनिया में आजकल इतने अच्छे लोग नहीं होते, लड़कियों को चीट करते हैं, धोखा देते हैं, उन्हें इज्जत नहीं देते। कहने लगी, बस बस रहने दो, बस मुझे तुमसे तलाक चाहिए। उसने इन शब्दों ने तो मेरे होश उड़ा दिए थे। मैंने कहा, पागल हो गई हो क्या, तुम मेरी बीवी हो, हमारा एक छोटा सा बच्चा भी है, जन्नत जैसा घर है हमारा, क्यों तलाक लेना चाहती हो मुझसे? कहने लगी, रखो अपना बच्चा अपने पास, इतना ही जन्नत जैसा छोटा सा घर है तुम्हारा, मेरा दम घुटता है, मैं नहीं रह सकती यहाँ पर। वह जो कोई भी था उसका दिमाग पूरी तरह ख़राब कर चुका था, मेरी मोहब्बत प्यार, यहाँ तक कि मेरा बच्चा भी उसे नज़र नहीं आ रहा था। मैंने उसकी माँ से बात की, खाला ने भी उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह तो किसी की भी सुनने को तैयार ना थी। बस एक ही रट थी, मुझे सलीम से तलाक चाहिए। मैंने तलाक देने से इनकार कर दिया तो उसने अदालत में तलाक की गुहार लगा दी। मेरा घर उजड़ चुका था, वह मुझसे तलाक लेकर जा चुकी थी। वह अभी भी ब्लॉग्स बनाया करती थी और उसके ब्लॉग से ही पता चला कि उसने दूसरी शादी कर ली और अब वह सिंगापुर में रहने लगी थी। उसने अपने फॉलोअर्स को ब्लॉग में ही बताया था कि मुझे इस आदमी से अपने ब्लॉग में ही मोहब्बत हुई थी और अपने ब्लॉग के जरिए ही उसे ज़िंदगी का वह साथी मिला जिसका वो हमेशा से तमन्ना करती थी। लोग अब भी उसको भर भर कर कमेंट करते थे, लेकिन अब कमेंट में उसकी तारीफें कम होती थी बल्कि उसके लिए बुरी बातें ज़्यादा होने लगी थी। तुम कैसी औरत हो जो अपने शौहर अपने बच्चे को छोड़कर दूसरे यार के पास चली गई हो, उससे शादी कर ली? औरत तो वह होती है जो अपने शौहर और अपने औलाद के खातिर अपना सुख चैन तक बर्बाद कर देती है। कुछ लोग मुझे भी बुरा भला कह रहे थे, अपनी बीवी को इतनी आज़ादी दोगे तो वह तो भागेगी ही ना, उसे खींच कर रखनी चाहिए थी। लेकिन मैं तो अलीना पर भरोसा करता था। क्या मर्द का औरत पर हमेशा शक ही रहना चाहिए, उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, उसे हमेशा शक कसौटी पर ही रखना चाहिए? मुझे ये तो विश्वास था वह दूसरे आदमी के पास भी ज़्यादा दिनों तक नहीं रुक पाएगी, क्योंकि जब एक मर्द को सिर्फ इसलिए छोड़ दे वह हैसियत में उससे कम है और उसकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता, तो ऐसी औरत किसी भी मर्द के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। वह उससे भी ज़्यादा अमीर आदमी को देख लेगी तो उसे भी छोड़ देगी, या फिर वही आदमी अलीना से भी ज़्यादा हसीन लड़की को पालेगा तो अलीना को छोड़ देगा। शायद उस समय मेरी कदर होगी,
लेकिन मेरी नज़र में वह अपनी सारी कदर कीमत खो चुकी थी। वह 2 टके की भी नहीं रह गई थी और ऐसी औरत को मैं दोबारा अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं कर सकता था। शायद किसी भी औरत को शामिल नहीं कर सकता था। लेकिन नुरासा एक दिन अपनी नंद का रिश्ता लेकर मेरे पास आई। कहने लगी, भैया छोटा सा बच्चा है आपका, कैसे मैनेज करोगे? पूरी ज़िंदगी कैसे काटोगे? पहाड़ जैसी ज़िंदगी। मेरी नंद है, विधवा है, आप तो जानते हैं कितनी अच्छी है। 2 महीने पहले ही उसके शौहर का एक रोड एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। बेचारी की शादी को अभी समय ही कितना हुआ था, 1 साल भी नहीं हो पाए थे, लेकिन 1 साल में ही वह विधवा हो गई है। मैं चाहती हूँ आप जारा से शादी कर लें। मैंने नुरासा को मना कर दिया था, लेकिन नुरासा जिद पर आ गई। कहने लगी, अगर आपने जारा से शादी नहीं की, मैं आपसे कभी भी बात नहीं करूँगी। नुरासा की जिद के आगे मैं मजबूर हो गया, जारा से शादी कर ली। जारा बहुत अच्छी लड़की थी। मेरे बेटे समीर को उसने बिल्कुल अपने सगे बच्चे की तरह स्वीकार कर लिया था, लेकिन मेरा औरत के ऊपर से भरोसा उठ गया था और मैं जारा पर भी विश्वास नहीं कर पा रहा था। लेकिन जारा ने अपनी मोहब्बत और वफा में कोई कमी नहीं की थी, और हो सकता है उसकी वफा और मोहब्बत से धीरे धीरे मैं भी उससे मोहब्बत करने लगूंगा और शायद अलीना को जल्द ही अपने दिल और दिमाग से निकाल दूंगा। दोस्तों, आप लोग भी दुआ करना कि अलीना मेरे दिल से जल्दी ही निकल जाए। एक दिन मैं जॉब से जल्दी आया, मुझे जारा को ईद की शॉपिंग करवानी थी और अपने बेटे समीर के लिए स्कूल की शॉपिंग भी करनी थी, क्योंकि हमने उसका एडमिशन भी करवा दिया था और वे जारा को ही अपनी माँ समझता था, क्योंकि जब अलीना उसे छोड़कर गई थी, मेरा बेटा समीर 9 महीने का था और आज समीर 2.5 साल का हो चुका था और वह सबको अच्छी तरह से पहचानता था। जैसे ही हम शॉपिंग मॉल के अंदर घुसने लगे, मैंने अलीना को उसके दूसरे शौहर के साथ देखा। मेरे तो तन बदन में आग लग गया था, क्योंकि मैं उसे हमेशा बुलाने की कोशिश करता था, लेकिन वह मेरे दिल और दिमाग से जाती ही नहीं थी। अलीना की नज़र मुझ पर ना पड़े और जारा और समीर को लेकर दूसरे साइड में चला गया, लेकिन इत्तेफाक से मेरी बहन नुरासा भी उसी मॉल में आ गई और वे अलीना से मिल गई। उन दोनों की आपस में काफ़ी बहस हो गई, मुझे बीच बचाव के लिए सामना करना पड़ा। अलीना ने अपने बच्चे को देखा, उसे गोद में उठाना चाहा, लेकिन मेरा बेटा समीर अलीना को भूल चुका था। उसके गोद में ना जाकर वह अपनी माँ जारा की तरफ लपका और मैं भी यही चाहता था, वह अलीना के गोद में ना जाए। अलीना ने इस बात को काफ़ी महसूस किया। फिर हम लोग वहाँ से घर वापस आ गए, शॉपिंग भी नहीं की। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।